मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज की बहुत ही सुंदर बैक नेक डिजाइन कैसे। ये ब्लाउज है, ये इसका अस्तर है, ड्राफ्ट अस्तर पर कर लेते। ब्लाउज की लंबाई 15 इंच ली है और ये हमारा 44 साइज का ब्लाउज है। तैयार करेंगे तो 11 इंच आएगा, फोर्थ भाग। 2 इंच का मार्जिन ले लिया है। आप ये डिजाइन किसी भी साइज के ब्लाउज में डाल सकते हैं। और जो इसके मुड्डे लिए हैं मैंने 5 इंच लिए हैं और इसका शोल्डर 6 इंच लिया है। अभी नेक ड्रॉ करेंगे तो देखिए शोल्डर से 2.5 इंच ले लेंगे। जितना डीप आप पहनते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। जो मैं ले रही हूँ आप इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको 11 इंच लिया है तो 11 इंच से मार्किंग कर लेते हैं इस तरीके से। और नेक से सेम रहेगा और नीचे थोड़ा सा ब्रॉड आ जाएगा। इस तरीके का ये राउंड शेप रहेगा, सेम डॉट पर कट। अभी सिलने का तरीका बताती हूँ। देखिए सीधा ब्लाउज रख लिया है, इसके ऊपर अस्तर रख लिया है। यहाँ से लेके पूरा हम यहाँ तक स्ट्रेच कर लेंगे, नेक को कट करके पलट देंगे। और जैसे मैंने बताया था मैंने इसको स्टिच कर लिया है, पूरे नेक में स्टिच डाल दिया है, कमर में भी स्टिचिंग डाल दी है। अभी हम इसको पलट देते हैं। तो देखिए ये स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। और देखिए मैंने जैसे प्लेट डालते हैं वैसे प्लेट भी इसमें डाल दी है, 5 इंच लंबी, और पूरा इसको स्टिच कर दिया है। और अभी हम जो इसमें डिजाइन देने वाले हैं उसके बारे में बताती हूँ। तो देखिए मैंने एक टुकड़ा लिया है कपड़े का, इसका साइज बता। तो देखिए मैंने ये 4 इंच चौड़ाई ली है और ये डबल फोल्ड कपड़ा है। तो देखिए मैंने इसको पलट दिया है और एक लेस ली है, तो दोनों साइडों में मैं लेस स्टिच कर दूंगी। तो देखिए लेस लग चुकी है और हम इसमें बीच में इस तरीके से इसको प्लेटें डाल के यहाँ पर टाइट कर देंगे। तो पहले सुई से बड़े बड़े टांके लगा लेते हैं और फिर उस धागे को हम खींच। देखिए मैंने यहाँ पे एक बटन भी स्टिच कर दिया है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और अभी हम इसको ब्लाउज में अटैच करेंगे। हम ब्लाउज में लगा लेते हैं। तो देखिए एक तो हम किनारे पर लगाएंगे और एक थोड़ा गैप दे के स्टिच कर दिए। अभी जो डिजाइन बनाई है इसको ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो उसके लिए आपको बीच में एक मार्किंग कर लेनी है जो डिजाइन हमारी जो सेंटर में आ सके। तो देखिए ऑलरेडी प्रेस किया था तो यहाँ पर लाइन खिंच गई है, लेकिन फिर भी आप चौक से एक लाइन बना सकते हैं और इस लाइन पर हम इसको स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरीके से लेते हैं, बाद में लेस लगा के इसकी फिनिशिंग कर देंगे। तो देखिए बनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। नीचे हमारी ये डिज़ाइन आ रही है और देखिए लेस भी आ रही है दोनों साइडों में, कमर में भी एक लेस आ रही है, ऊपर मैंने इसमें डोरी लगा दी है और सिंपल सी लटकन बना दी है। आप चाहें तो डिजाइनर लटकन बना सकते हैं। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सी ब्लाउज की डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।